हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुनील शर्मा ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर द्वारा लिखित बयान के ऊपर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए सरकार को समय रहते हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर ध्यान देना चाहिए। सुनील शर्मा ने कोरोना टेस्ट मशीन को स्थापित नहीं करने के लिए भी जयराम सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सरकार की हर सार्थक सोच के साथ है। इसके विपरीत ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा विधायक निधि से 35 लाख रुपए के इंतजाम के बावजूद भी कोरोना टेस्ट मशीन को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज को नहीं देना जयराम सरकार की छोटी सोच को दर्शाता है। कोरोना मरीज को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज राधा स्वामी भोटा हॉस्पिटल में भेजने के ऊपर भी उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जब कोरोना मरीज का इलाज हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण नहीं हो सकता है तो कोरोना मरीज को जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य सुविधाओं की जगह में भेजना चाहिए। जिला हमीरपुर कोरोना के बीमारी के संकट के समय में अभी तक आपके सहयोग से पूरी तरह से सुरक्षित है। दो दिन पहले कोरोना मरीज को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भोटा अस्पताल में भेजा गया है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज जहां पर एक कोरोना की टेस्ट की भी सुविधा नहीं है, क्या वहां पर कोरोना मरीज का इलाज हो सकता है? कांग्रेस के विधायक ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इस महामारी का पूर्वानुमान लगाते हुए अपनी विधायक निधि से कोरोना टेस्ट मशीन के लिए 35 लाख रुपए का योगदान देकर सरकार को इसको स्थापित करने के लिए सचेत किया था। ये मशीन अभी तक भी नहीं लग पाई है। सरकार की मुख्यमंत्री श्री जयराम जी की ये एक बहुत बड़ी भूल है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने लिखित बयान में सरकार का ध्यान कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए सुविधाओं की ओर मुखातिब किया है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज का इलाज स्वास्थ्य सुविधाओं के बिना नहीं कर सकता है। जयराम जी, आप अपनी आंखें खोलिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के योगदान से कोरोना टेस्ट मशीन को स्थापित कीजिए। डॉक्टर्स के लिखित बयान की ओर ध्यान दीजिए। डॉक्टर्स का जीवन भी हमारे लिए बहुमूल्य है। मैं ऐसे समय में कोरोना मरीज के परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं और जो मरीज भोटा हॉस्पिटल में रखा हुआ है उसके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। मैं जयराम सरकार से ये कहना चाहूंगा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना बीमारी से लड़ने की सुविधाएं नहीं है। मरीज की जीवन की रक्षा के ऊपर आप जल्दी से जल्दी कोरोना मरीज को ऐसी जगह भेजिए जहां पर वो बीमार ठीक हो सके और उसके जीवन की रक्षा कीजिए। इसके साथ ही आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। मैं सभी समाज को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की बधाई देता हूं और उनकी जयंती के अवसर पर आपके सुरक्षित जीवन के लिए कामना करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।